हेलो एवरीवन, मैं हूँ सरबजीत। मेरे चैनल हरी सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ कीरतपुर साहब के गुरुद्वारा साहब पतालपुरी में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, गुरुद्वारा साहब के दर्शन हो रहे होंगे आपको। तो अब मैं पहले फ्रेश होंगी, फिर बाद में आपको दर्शन करवाऊँगी और इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूँगी। आप मेरे साथ बने रहना जी। गाइस, हम मंदिर एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हो। पहले हम जोड़े जमा करवाएंगे यहाँ पर अपने। तो आप देख सकते हो पीछे जोड़े घर है, साथ में ही आप बैल जमा करवा सकते हो यहाँ पर। पहले हम अपने जूते जमा करवाते हैं तो फिर हम दर्शन करने जाएंगे दरबार साहब के अंदर। ठीक है गाइस, आप पीछे मेरे देख सकते हो कि यहाँ पर आप कड़ाह प्रसाद की देख ले सकते हो। तो पहले मैंने जूते जमा करवाए हैं, उसके बाद कड़ाह प्रसाद का देख करवा सकते हैं हम अब। तो अब हम आपको दरबार साहब के अंदर लेकर जाएंगे और दर्शन करवाएंगे वहाँ पर। हाँ जी दोस्तों, अब हम दर्शन करेंगे। पहले ये दर्शन करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इस स्थान का इतिहास बता दूं। इस धरती को छह गुरुओं की चरण शो प्राप्त हुई है और इस धरती पर गुरु नानक देव जी भी आए थे और हर गोविंद साहब जी सिखों के छेवें गुरु भी, जब उनका अंतिम समा आया था वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने दीवान सजाए थे। आए का इतिहास भी आपको बताऊंगी, पहले दर्शन कर लेते हैं। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहना और आपको पूरा इतिहास बताऊंगी। गाइज, मैं आपको रास्ता दिखाने जा रही हूँ जो सीधा ही गुरुद्वारा पतालपुरी से पतालपुरी को आता है। अनंतपुर साहब के मेन हाईवे पे आगे कीरतपुर साहब है और बिल्कुल ही जार के बीचों बीच में रास्ता जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, और आप मेरे पीछे बाजार भी देख सकते हो। यहाँ से बर्तन, खिलौने, बहुत सारा सामान जैसा है आपको मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप जहाँ आएंगे यहाँ पर तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छे से की हुई है। बहुत बड़ी पार्किंग है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। आप जब आएँ अपनी गाड़ी पर
तो आपको आसानी से पार्किंग यहाँ पर मिल सकती है। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं दरबार साहब के अंदर, अब मैं सरोवर के किनारे बैठ गई हूँ और आपको आगे का इतिहास बताने जा रही हूँ। इस स्थान पर सिखों के छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी और सत्तवें गुरु गुरु हर राय साहब जी का संस्कार यहाँ पर हुआ था और उनके अस्थि भी पतालपुरी जल में जल प्रवाह किए गए थे। और उसके बाद सिखों के अठवें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी जो दिल्ली में ज्योत समाए थे, उनके अस्थि भी पतालपुरी जल में ही जल प्रवाह किए गए थे। आप देख सकते हो कि वही स्थान है यहाँ पर गुरु जी के अस्थियाँ जल प्रवाह की गई थी। और आज भी लोग जो लोग परलोक सदार जाते हैं और उनके परिवार वाले उनकी अस्थियाँ इस जल में ही जल प्रवाह करते हैं। इसी तरह संसारी जीव भी अपनी उम्र भोग कर इस संसार से चले जाते हैं और उनके परिवार वाले उसकी देह का संस्कार कर उनके अस्थियां को जल प्रवाह करने के लिए पतालपुरी में लेकर आते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दरबार साहब के अंदर अरदास करवाते हैं। मैंने आपको गुरुद्वारा पतालपुरी का मैंने आपको इतिहास बता दिया है, जो कि कीरतपुर साहब में बहुत सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर देना ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।